नमस्कार दोस्तों, तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज आपको दिखाने वाले हैं भाई रिपर, और रिपर भी सोनालिका डी 35 के पीछे जोड़ रखी है किसान ने, तो गेहूं काटने लग रहे हैं भाई ये देखो। तो भाई इसकी परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं और इसका डीजल खपत क्या है सारी चीज़ें बताने वाले हैं, और कैसे कैसे इसकी फिटिंग कर रखी वो भी दिखाने वाले हैं। तो किसान से भी बातचीत करेंगे भाई इसके बारे में, ये देखो आप। और सोनालिका डी 35 पे EQ जोड़ रखी वो भी पता करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं किसान से भाई। तो हाँ जी, राम राम अंकल जी। राम राम, कैसे हो? बढ़िया। एक बार अपना नाम पता बता दो जी। नाम धर्मवीर जी, गांव बजेना। अच्छा, तो अंकल जी जैसे कि ये सोनालिका डी 35 के पीछे ही क्यों जोड़ी, ये जो मशीन है ये ट्रैक्टर एवरेज बढ़िया देता है। अच्छा, बचत थोड़ी ठीक आ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये कुछ यहाँ पे इसकी फिटिंग करवा रखी है, और पीटीए तो चल दी होगी भैया। अच्छा, पीछे दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखो भाई पीछे से जुगाड़ करवा रखा है भाई ने, और ये इसमें डंपर वाले में इसका जो है उठाने का करवा रखा है जुगाड़, और छतरी भी देखो आप इसकी। और इस भाई ने एक चीज अलग सी करवा रखी भाई, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई, सोनालिका के जो मडगार्ड है वो हिलते बहुत हैं, तो भाई ने स्पोर्ट लगवा रखी है उस परले साइड और इस साइड दोनों मडगार्ड हो गए। ये देखो इससे ही लेनेंगे हैं भाई, ये लेनेंगे ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा रेस लगवा रखी है जुगाड़। तो कौन से गैर में चला कर भाई? हो मतलब आई मैं सही काट दे क्यों? अच्छा बढ़िया काट। अच्छा ज्यादा चाल नहीं होती पहला आई में? अच्छा अच्छा अच्छा, तो डीजल कितना लिखता होगा? ढाई से तीन लीटर। तो चला के दिखाओ भाई, जैसे कि इसमें नुकसान वगैरह तो नहीं है? सही नुकसान नहीं है, कोई बाल बोलेगा कोई नुकसान। अच्छा दिखाइयो एक बार काट के भाई। तो ये देखो भाई, दिखाते हैं आपको। और भाई ये देखो, इतनी जो है भाई नुकसान नहीं है, सही काट रहा है ऊपर ऊपर से, और ये मतलब क्यों खड़े हैं सीधे इसलिए सही जुताई कर रहा है। तो अंकल जी मतलब सही काट रहा है नीचे से? सही काट रहा है ना। हाँ, इतना नुकसान वाली बात नहीं? नुकसान वाली बात नहीं, अगर पटे नहीं हो और भी नीचे काट दे। अच्छा, एक तो गेहूं जिस तरह की गिल्ले नहीं होने चाहिए। हाँ, जमीन है। हाँ, और पटे नहीं होने, जो पटे... गिरे हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, गिरे हुए में तो प्रॉब्लम आ जाए। तो सही काट रहा है वैसे। आप इसको खुद बांधोगे या लेबर से बंधवाओगे? खुद बांधेंगे। अच्छा खुद बांध लोगे, तो ये हवा वगैरह चल गई तो कहीं पे चले जाएंगे उड़ के? ना ना ना, उड़ता नहीं इसका। अच्छा उड़ेगा नहीं, हवा चल दो ये उड़े नहीं। अच्छा, तो ये देखो भाई ये गेहूं खड़े हैं इसलिए अच्छी जुताई हो रही है यहाँ पे मतलब। तो भाई ये इसकी चाल बनानी पड़ती है, एक साइड एक बार इस साइड से ले जाना पड़ता है ट्रैक्टर, और एक बार इस साइड से लेके आना पड़ता है, चाल बनानी पड़ती है इसकी। तो देखो भाई रोकी भाई, तो एक दिन में कितने किले निकाल दिए, काट दे भैया? एक दिन में एक साथ हो तो 8 से 10 किले निकाल देती है। 10 किले? हाँ। और जैसे इकट्ठे हो तो? अच्छा, तो ये जैसे कि अब ये उड़ने उड़ने की तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। और भी कोई ट्रैक्टर आपके पास में?
एक ट्रैक्टर और है मेरे पास, पावर ट्रैक। पावर ट्रैक अच्छा, भी यही है। अरे उस पे भी लगा रखे। तो कौन सा ट्रैक्टर उन दोनों में से कौन सा बेस्ट है? दोनों ही बेस्ट है। डीजल कौन सा? डीजल के लिए चक्कर पे बात है। अच्छा, वैसे जोर कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा लगाता है? जोर तो जी कौन सा पे लगवा लो, फिर भी जोर होना चाहिए। यह बात तो है, लेकिन सोनालिका लगाता है या वो लगाता है पावर ट्रैक? ज्यादा तो यही लगा हुआ है सोनालिका, उससे हैवी पड़ता है ये। अच्छा, तो 34 HP में 39 HP। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि 39 HP कैटेगरी में जॉन डियर भी है, स्वराज भी है, नोलैंड भी आओ ही, तो आपने जैसे कि कौन सा मॉडल? 34 की कैटेगरी में कौन आती है। अच्छा, जैसे ये कौन सा मॉडल है? ये 19 मॉडल है। अच्छा, तो जैसे कि 19 मॉडल है, तो आपने वो और ट्रैक्टर क्यों नहीं लिया, यही ट्रैक्टर क्यों लिया? अपनी अपनी पसंद होती है। अच्छा, आपको पसंद था ये ट्रैक्टर? अच्छा, एक मिनट रोके, तो इस पर जोर तो पड़ता को नहीं होगा ट्रैक्टर का? कितनी रेंज पे चलाओ हो? 10 या 12 की पे। चलो एक बार मैं ऊपर तोड़ दिखा दूँ, चालन दे भाई।